नमस्कार दोस्तों, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम देखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। पहले कुछ डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, सिमिलर और इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंशियल सेट्स। ये तीनों नाम अलग है लेकिन उनका मीनिंग सेम है, सिमिलर इक्विवेलेंट इक्विपोटेंशियल सेट्स। डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन देम एंड देन वी राइट ए इज सिमिलर टू बी। क्या डेफिनेशन है? अगर टू सेट सिमिलर है, अगर टू सेट सिमिलर है तो उन दोनों सेट में बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट होगा, और अगर टू सेट में बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट है तो वो दोनों सेट क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। ये है सिमिलर की डेफिनेशन। उसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल भी बोलते हैं। और आपको बाइजेक्टिव फंक्शन मालूम है। क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन? जो फंक्शन वन वन और ऑन टू रहता है, वो क्या फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कंसिडर, कौन सा भी सेट लेते हैं हम, कंसिडर एस इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एन, देन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इट्स सेड टू बी, इट्स सेड टू बी फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू natural number and a bijective function and a bijective function f from s to a। क्या definition है? अगर हम एक सेट लेते हैं एस, फाइनाइट है वो, एन फाइनाइट है, देन एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ए, उस ए सेट को, नॉन एम्प्टी सेट है, उस ए सेट को हम फाइनाइट कब बोलेंगे? जब एक एन नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट होगा और एक फंक्शन इस सेट से इस सेट तक, यस सेट से ए सेट तक एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा, और वो फंक्शन कैसा रहेगा? बाइजेक्टिव फंक्शन रहेगा। ध्यान से देखो, फाइनाइट सेट, एक सेट को हम फाइनाइट सेट कब बोलेंगे? अगर एक सेट है, उस सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट तक एक फंक्शन एग्जिस्ट होता है और वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट होता है इस सेट से इस सेट तक, तब जो इस सेट रहता है ए, यानी ये कोडोमेन रहेगा, तो इस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जो एन है, एन क्या रहेगा? एन गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set A।
जो n की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। अगर इफ नो सच n एग्जिस्ट, अगर n एग्जिस्ट ही नहीं होगा तब देन सेट ए इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, सॉरी इनफाइनाइट। अगर n एग्जिस्ट ही नहीं होगा तब उस सेट को यानी ए सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये रही फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशंस। कुछ नोट देखते हैं, नोट्स। फर्स्ट नोट, टू फाइनाइट सेट्स आर सिमिलर, टू फाइनाइट सेट्स आर सिमिलर इफ देयर कर्नलिटी क्या रहेगी, इक्वल। अगर टू फाइनाइट सेट सिमिलर है, और अगर टू फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है तो वो सेट क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। सेकंड, एवरी सेट ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, as there exists an identity map on A। अगर कोई भी सेट खुद से ही क्या है, इक्विवेलेंट यानी कि सिमिलर है, तो उधर आइडेंटिटी मैप एग्जिस्ट होगा ए से ए तक। उस सेट पर ही डोमेन भी ए रहेगा, को डोमेन भी ए रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सेम ही रहेंगे, वो आइडेंटिटी मैप रहता है। थर्ड नोट, इफ ए इज सिमिलर टू बी एंड बी इज सिमिलर टू सी, आपको पता है अगर ए इज सिमिलर टू बी रहता है और बी इज सिमिलर टू सी रहता है देन ऑटोमेटिकली ए इज सिमिलर टू सी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिविटी, एफ आई में देखा है आपने, एफ आई बी एस सी में, देन ए इज सिमिलर टू सी। और एक इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं, क्या डिफरेंस है फाइनाइट और मेन फाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स में, वो देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फाइनाइट एंड एन इनफाइनाइट सेट इज दैट एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन
of its proper subset various finite set can never be equivalent to any of its proper subset. क्या मेन डिफरेंस है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में? ये डिफरेंस डेफिनेशन भी रहती है, कुछ बुक में डेफिनेशन भी है. क्या डिफरेंस है मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट इज दैट एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट. क्या है Every infinite set equivalent similar रहता है किसके उसके proper subset से. अतः आपको पता है proper subset क्या है. अगर नहीं पता है तो पिछला lecture जरूर देखें. Every infinite set equivalent रहता है किसके उसके proper subset से. एट लीस्ट वन रहता है. और क्या दिया है फाइनाइट सेट कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट. और जो फाइनाइट सेट रहता है वो उसके किसी भी प्रॉपर सबसेट से इक्विवेलेंट नहीं रहता. ये मेन डिफरेंस है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. अगर कोई भी सेट उसके प्रॉपर सबसेट से इक्विवेलेंट है तो वो जो सेट रहता है वो इनफाइनाइट रहता है. एक डेफिनेशन हो गई. और जो सेट उसके प्रॉपर सबसेट से इक्विवेलेंट नहीं रहता उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं. नेक्स्ट नोट ए सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ए फाइनाइट सेट. अगर फाइनाइट सेट का सबसेट लेते हैं तो जो सबसेट रहता है वो भी फाइनाइट रहता है. एफ एम्प्टी सेट It's consider as a finite set. जो empty set रहता है वो हम क्या consider करते हैं finite set consider करते हैं. जो phi empty set उसको हम finite set consider करते हैं. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे. थर्ड डेफिनेशन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेन डेफिनेशन शुरू हो गई है. काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट देखते हैं. अ सेट यस is said to be countably infinite set. कब बोलेंगे S को countably infinite? If it is similar to the set of natural number. क्या डेफिनेशन है?
अगर एक कौन सा भी सेट लेते हैं नॉन एम्प्टी एस, उस एस को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब बोलेंगे? अगर वो सेट सिमिलर है नेचुरल नंबर से और इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर से। कोई भी सेट नेचुरल नंबर से अगर सिमिलर होता है तो वो सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट रहता है। याद रखिए, जेड इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जेड क्या रहेगा? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, समझ लेना प्रूफ। जेड इज काउंटेबली इनफाइनाइट, अब डेफिनेशन क्या है? जेड कब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट रहेगा? तो जेड को हमको नेचुरल नंबर से सिमिलर दिखाना होगा, इक्विवेलेंट दिखाना होगा। तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, f varies from इंटीजर जेड, varies from z to natural number। फंक्शन डिफाइन करते हैं, f n इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, ये रहेगा ट्वाइस n प्लस 1, n बिलोंग्स टू z प्लस। ध्यान से देखो, हमने फंक्शन डिफाइन किया है z टू n से, f ऑफ n इक्वल टू माइनस ट्वाइस n, n बिलोंग करेगा माइनस z यानि नेगेटिव इंटीजर्स, और ट्वाइस n प्लस 1, n बिलोंग होगा पॉजिटिव इंटीजर। अब हम मैप देखेंगे, कैसा मैप होगा वो। अगर देखो, इधर क्या करना पड़ेगा, जीरो नहीं आता ना, नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, हमें जीरो भी लगेगा क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो भी आता है ना, आता है क्या? नहीं आता, लेकिन वन तो आता है ना, वन आने के लिए हमें जीरो लेना पड़ेगा, जे प्लस यूनियन है। अब देखो, अगर हम एन की वैल्यू जीरो लेते हैं जीरो लिख लेते हैं, जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब देखो, ये एन की वैल्यूज है, एन की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं, एन की वैल्यूज अगर हम जीरो लेते हैं तो वो किधर मैप होगा? वन पे। इधर ही जीरो है ना, इधर नहीं डाल सकते हम एन की वैल्यू जीरो, सिर्फ इधर, इधर डालेंगे तो वन आएगा। अब नेगेटिव इंटीजर देखते हैं, माइनस वन डालते हैं तो माइनस प्लस होगा टू आएगा, माइनस टू डालते हैं तो प्लस फोर आएगा, थ्री डालते हैं माइनस थ्री तो सिक्स आएगा। इधर देखो, अगर हम प्लस वन डालते हैं, टू इंटू वन और थ्री, ये हो जाएगा थ्री, टू डालते हैं फाइव हो जाएगा, थ्री डालते हैं तो सेवन हो जाएगा। अब देखो, काउंट करो, सब आते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखो, इस डायग्राम से ही दिखता है क्या, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर से, और वो किधर मैप हो रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी कार्डिनलिटी ऑफ जेड इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हमने डेफिनेशन देखी, अगर दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है
तो वो दोनों सेट्स क्या है? सिमिलर है। अगर ये दोनों सेट्स सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, यानी कि छेड़ नेचुरल नंबर से इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, तो छेड़ क्या है? छेड़ इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ये प्रूफ है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, काउंटेबल सेट। आई थिंक फोर्थ डेफिनेशन है काउंटेबल सेट। पहले हमने देखा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, अब देखेंगे काउंटेबल सेट। एक्चुअल काउंटेबल सेट क्या होता है देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट, कौन सा भी एक सेट लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट विच इज सिमिलर टू एनी सबसेट बी ऑफ कैपिटल एन, देन ए इज कॉल काउंटेबल सेट। देखो क्या डेफिनेशन है, हम कौन सा भी एक सेट लेते हैं, उस सेट को हम सेट को हम काउंटेबल सेट कब कहेंगे, जब वो सेट नेचुरल नंबर के सबसेट से सिमिलर रहेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक सेट है, वो सेट एक नेचुरल नंबर के सबसेट से सिमिलर रहेगा, तो वो सेट काउंटेबल सेट रहता है। और एक डेफिनेशन है उसकी, सेट ए इज कॉल काउंटेबल सेट इफ इट इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। एक सेट काउंटेबल सेट कब रहता है, अगर वो सेट फाइनाइट है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तो वो सेट काउंटेबल सेट रहता है, यानी कि सेट के एलिमेंट काउंट होते हैं, फाइनाइट है। काउंटेबल इनफाइनाइट भी अब हमने देखा, ये है काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। एग्जांपल क्या क्या आएंगे, अब नेचुरल नंबर क्या है, खुद का ही एक सबसेट है ना, कोई भी सेट इटसेल्फ सबसेट रहता है, यानी कि नेचुरल नंबर भी क्या रहेगा, काउंटेबल सेट रहेगा। नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट यानी कि काउंटेबल सेट है। हमने छेड़ भी देखा क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट यानी कि काउंटेबल सेट भी हो जाएगा। क्यू वो भी रहेगा रैशनल नंबर, ये सब क्या है, काउंटेबल सेट है। और एक नोट देता हूं मैं, नोट, एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज काउंटेबल सेट। नेचुरल नंबर के कौन से भी सबसेट हो,
कौन से भी, वो क्या रहेंगे, काउंटेबल सेट रहेंगे, याद रखना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट क्या रहेगी? अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन, अ सेट विच इज नॉट ए काउंटेबल सेट। अगर कोई भी सेट काउंटेबल सेट नहीं रहता तो उस सेट को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। क्या क्या एग्जांपल है उसके देखते हैं। जो रियल नंबर है, रियल नंबर काउंटेबल रहता है, ऑलवेज काउंटेबल है। इरेशनल नंबर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी अनकाउंटेबल है। पावर सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी काउंटेबल है। पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर, देखो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, उसके पावर सेट अनकाउंटेबल सेट, ये इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान में रखो। ये सब सेट क्या है, अनकाउंटेबल, विच इज अनकाउंटेबल सेट्स। आपको इंटरवल पता है तो उस पर एक नोट है, एवरी नॉन सिंगलटन इंटरवल, जो सिंगलटन नहीं रहता वो इंटरवल, आर ऑलवेज अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट जो नॉन सिंगलटन इंटरवल रहता है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल सेट रहता है, ऑलवेज। ये सब अब डेफिनेशन देखी, अगले लेक्चर में हम अनकाउंटेबल सेट देखेंगे। थैंक यू।